श्रीनगर के लावेपुरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में दो जवान शहीद हो गए हैं और दो सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेवारी ली है। शहीद जवान मंगादेव वर्मा साउथ त्रिपुरा और शहीद कांस्टेबल अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के काहनफट गांव देहरू के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही इनका ट्रांसफर पिंजौर से आसाम के लिए हुआ था, लेकिन शहीद अशोक कुमार ने श्रीनगर को चुना और वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अशोक कुमार 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। शहीद अशोक कुमार अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। अशोक कुमार की शहादत की खबर सुनकर देहरू गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। शहीद अशोक कुमार के माँ बाप का रो रोकर बुरा हाल है। अशोक कुमार की पत्नी बच्चों के साथ पिंजौर से अपने ससुराल पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी आए हैं। मेरे को खबर मिली हार्ट अटैक हुई पिंजौर से फोन है। अशोक से दो तीन दिन पहले हुई बात, कल करने की बात, सवेरे बोलते सवेरे नहीं करना फोन मेरे को, शाम को करना, तो शाम को फोन आ गया। जैसे भी हुआ, अब मैं तो बोलता मेरे को ले चलो उधर, मैं उन सब का मैं देखूंगा उनको, बदला चाहिए मेरे को, बदला चाहिए, मौत की मौत चाहिए। स्वभाव बहुत अच्छा है उसका, और उनके आदमी सब आसा मजाक जो काम वो किसी से तो वो करता है। मेरे को उस पर गर्व है, मेरा शेर बेटा है।